What's up guys and welcome back to my channel. तो guys आज के इस वीडियो का thumbnail और title देखकर तो आपको शायद पता चल ही गया होगा कि मैं जो normally drawings वाले वीडियो बनाता हूँ ये वीडियो उन वीडियो से थोड़ा अलग है. और इस वीडियो को बनाने का मेरा रीजन ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी जो आर्टिस्ट्स हैं उनको भी शायद ये प्रॉब्लम फेस करना जरूर पड़ी है. इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कोई गलतफहमी ना हो कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ. और आप ये बहुत अच्छे से समझो कि मेरा एक्चुअली में रीजन क्या है इस वीडियो को बनाने का. तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बात ये है कि मैं ये नहीं बता सकता कि मैं अच्छा ड्राइंग करता हूँ या बुरा ड्राइंग करता हूँ. ये आप लोग जो मुझे देखते हो, जो मेरे ड्राइंग्स को देखते हो, जो मेरे वीडियोस को देखते हो, ये आप ही बता सकते हो कि मैं कैसे ड्राइंग करता हूँ. लेकिन मैं इतना सा ड्राइंग जरूर करता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं अपने स्केचेस बनाने के लिए, अपने पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए. तो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि लोग कहते हैं हम जैसे आर्टिस्ट्स को फ्री स्केचेस बनाने के लिए. पहली बात तो ये है कि हम फ्री स्केचेस बनाए ही क्यों. ओके, नॉर्मली जो पहले फ्री स्केचेस के बारे में नहीं बोलते उन्हें जब हम कहते हैं कि अपने ड्राइंग्स के प्राइस को लेकर, नॉर्मली मेरा जो प्राइस है, मैं एक पैनल बनाया हुआ है मेरा नेसेज का, तो मैं उसमें लिखा हुआ है कि जो आर्टिस्टिक जो स्केचेस है उसके ये प्राइस है और जो रियलिस्टिक स्केचेस है उसके ये प्राइस है. ये जब मैं किसी को सेंड करता हूँ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो नॉर्मली बात करना बंद कर देते हैं या फिर हम लोगों को ब्लॉक कर देते हैं. मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और उनमें से एक इंसिडेंट ये है कि एक डीएम आया था मुझे इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने उनका एक ड्राइंग बनाने के लिए. तो मैंने उनको ये भेजा कि आप कैसा ड्राइंग चाहते हैं, रियलिस्टिक या आर्टिस्टिक. रियलिस्टिक ड्राइंग का ये प्राइस है, आर्टिस्टिक ड्राइंग का ये प्राइस है. तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं पे नहीं करूंगा, मेरे पास DSLR है, मैं तुम्हें दो फोटो खींच के दूंगा. ये क्या है, क्योंकि हम जब कोई ड्राइंग करते हैं उसका और फोटोग्राफ का क्या रिलेशन है. मैं मॉडल हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फोटोग्राफ्स का भूखा हूं कि मुझे फोटोग्राफ्स चाहिए, मुझे फोटो खींच दो. और मैंने ये कहा भी नहीं. और पहली बात तो ये है कि तुमने जो कैमरा खरीदा है वो कैमरा भी प्रोफेशनल यूजेज के लिए नहीं है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और उन्होंने मुझसे कमीशन वर्क नहीं करवाया है इसलिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ. क्योंकि बात ऐसा है कि अगर वो प्रोफेशनल होते, अगर वो प्रोफेशनली अपना काम करते, प्रोफेशनल कैमरामैन होते या फोटोग्राफर होते, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि मेरा एक ड्राइंग बना दो, मैं तुम्हारा फोटो खींच के दूंगा. क्योंकि प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जानते हैं कि प्रोफेशनल लोग काम कैसे करते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है, मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स फेस भी किए हैं. तो अब आपको इस वीडियो को देखकर अब तक ये लगता होगा कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं, जो हमें बोलते हैं कि हमें ड्राइंग करने के लिए हम उन सबसे पैसे मांगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. हम बहुत से स्केचेस करते हैं, फ्री में करते हैं. और ऐसे स्केचेस भी होते हैं जो हम किसी को बिना बोले भी करते हैं, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या फिर हमारे गर्लफ्रेंड हो जाए या फिर कोई अगर फीमेल आर्टिस्ट हो तो उनकी बॉयफ्रेंड हो जाए, कुछ भी हो जाए. हम अपने पेरेंट्स की जो ड्राइंग्स होते हैं हम बिना बताए वो ड्राइंग करते हैं, हम वो अपने दिल से करते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं होती. लेकिन ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना पहचानता हूँ, मैं क्यों तुम्हारी ड्राइंग फ्री में कर दूँ. इसलिए पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की जरूरत हमको भी है. अगर आप ये सोचते हो कि पैसे की जरूरत हमें नहीं है, आप ये बहुत गलत एक चीज, एक जो कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में लिए हुए हो. क्योंकि पैसे की जरूरत हम सबको है. और आप जो ये बोल रहे हो कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि आप भी कभी ना कभी ये जरूर सोचते हो कि कैसे पैसे इनकम किया जाए, कैसे अब फाइनेंशियल नीड्स है उसे कैसे पूरा किया जाए. इसलिए मनी इज अ बेसिक नीड, हम सबको पैसे की जरूरत होती है. और हो भी क्यों ना, ये बात मैं ऐसे नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि इट्स नेसेसरी कि मैं ये चीजें बताऊं. पहली बात तो ये है, पैसे की जरूरत हम आर्टिस्ट्स को अपने जो ड्राइंग मटेरियल्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है. और अगर मैं आपके लिए एक ड्राइंग बनाता हूं तो मैं उसे ऐसे वैसे कोई पेपर पे नहीं बना सकता. मैं जो नॉर्मली जो पेपर यूज करता हूं वो ये है कार्ट्रिज शीट है. और ये एक जो A4 साइज का जो शीट होता है, ये एक शीट 10 रुपए का आता है. ओके, ये मैकेनिकल पेंसिल है जिससे मैं जो आउटलाइंस वगैरह होता है मैं इससे ड्रॉ करता हूं. और ये पेंसिल 40 से 50 रुपीज का आता है. ये जो आउटलाइन का पेंसिल सेट है, इस सेट को मैं अपनी ड्रॉइंग्स होते हैं उनमें शेड करने के लिए यूज करता हूं. और ये सेट 60 रुपीज का आता है. ये है मोनो इरेजर. ये मोनो इरेजर, ये जो
एक इरेजर होता है ये 150 रुपीज का आता है, मेरा ये 250 रुपीज का है। ओके तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और जो और अगर मैं कलर ड्राइंग्स की बात करने चाहूं तो हम ऐसे वैसे कलर पेंसिल्स यूज नहीं कर सकते, हमें जो प्रोफेशनल जो कलर पेंसिल्स होता है जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो चीपेस्ट जो कलर पेंसिल्स होता है अगर उनमें हम फेबर कैसल को भी ले ले तो वो भी कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो भी एक्सपेंसिव होता है। अगर नहीं तो मैं आपको गूगल से ये स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ, आप देख लो अगर मेरे बात का आपको यकीन नहीं हो रहा है तो बात कुछ ऐसे होता है। दैट्स व्हाई वी नीड मनी। और ये तो गया सिर्फ हमारे जो ड्राइंग मटेरियल्स है उनकी बातें, हम भी इंसान है भाई, हमको भी फाइनेंशियल नीड्स होती है, हमें वही करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई वी नीड मनी। लोग कहते हो कि भाई तू तो आर्टिस्ट है, अगर अपने पेंसिल को लेकर अपने पेपर में हाथ भी लगाएगा तब भी जो ड्राइंग है वो ड्राइंग बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी बात है भी तो ये तो बस भगवान की देन है। और सबसे बड़ी जो बात है इसको सीखने के लिए, हम जो पेपर में हाथ लगाने के बाद आपका जो ड्राइंग बनाते हैं इसको सीखने के लिए प्रैक्टिस लगा है, जो हमारी डेडिकेशन लगा है, वो कोई एक दो दिन का नहीं है। मैं पिछले 10-11 साल से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ और तब जाके मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ कि आप लोग मुझे बोलते हो अपने जो पोर्ट्रेट्स हैं अपने पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए, और मैं बनाता भी हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे कमीशन वर्क्स किए, लेकिन जब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि फ्री में स्केचेस बना दो, और मैंने और आप जब उसका प्राइस बोलते हो कि आपका ये जो प्राइस है वो ये है, और लोग उसके बदले में आपको ब्लॉक कर देते हैं, अनफॉलो कर देते हैं, मुझे इसका भी कोई गम नहीं है कि मेरे ऐसे बहुत से फॉलोअर्स ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनका ड्राइंग बनाता भी तो तब भी एक या दो दिन के बाद वो मुझे अनफॉलो करने ही वाले थे, क्योंकि उनका काम हो गया, उनका सिर्फ काम था मुझसे ड्राइंग बनाना, बस उसके बाद वो मुझे अनफॉलो करने ही वाले थे। और मेरा जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि ड्राइंग को सीखने के लिए उसको जो प्रैक्टिस है ये बहुत दिनों का होता है। मैंने 10-11 साल से मैंने ये प्रैक्टिस किया, अपने आप को घिस घिस के अब इस जगह पे पहुंचा हूं, तो ये कोई आम बात नहीं है। और पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं, आप लोग जब आते हो हमारे पास, तब मोस्टली लोग जो पिक्चर्स भेजते हो हमें, वो उस पिक्चर को देखकर हम नॉर्मली किसी इंसान के फेस को एक्चुअल में गेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि हर एक पिक्चर में हमारी जो फेस होती है वो हर एक पिक्चर में एक एक टाइप की लगती है देखने में, और हमारा जो रियल फेस है, रियल फेस और फोटोग्राफ में देखने में भी बहुत ज्यादा फर्क लगता है। इसलिए बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हम आपका एक ड्राइंग करते हैं और उसके बाद जब हम आपको एक रफ स्केच सेंड करते हैं तब आप बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइनल ड्राइंग सेंड करने के बाद आप बोलते हो कि ये ठीक नहीं है, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें पूरा ड्राइंग फिर से करना पड़ता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 50% जो प्राइस है जो ड्राइंग का वो 50% हमने एडवांस में लिया हुआ होता है। तो हमारा भी एक ड्यूटी है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम आपको खुश करें, आपका जो एक्चुअल जो फेस है, आप जो पोर्ट्रेट्स है, आपका जो मनी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो फालतू में ना जाए, आपको ना लगे कि यार ये पैसा बेकार चला गया, आपको ऐसा ना लगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारे ऊपर बहुत सा प्रेशर रहता है, और बात ऐसी है कि हम जब कोई ऐसे रियलिस्टिक ड्राइंग करने में बैठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। कोई ड्राइंग एक घंटे में या डेढ़ घंटे में नहीं बनता, रियलिस्टिक एक ड्राइंग करने के लिए हमको कम से कम 5-6 घंटे उसके ऊपर जरूर देना पड़ता है, क्योंकि हमें छोटी छोटी डिटेल्स उसमें ऐड करनी पड़ती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो गाइस मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, जब कभी भी अपने पोर्ट्रेट को आप किसी आर्टिस्ट से ड्रॉ करवाना चाहते हो तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, और ये वीडियो भी मेरा एक रिक्वेस्ट वीडियो है कि आप कभी भी प्लीज किसी आर्टिस्ट को ये मत बोलो कि आपका स्केच फ्री में कर दे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस ड्राइंग को बनाने के लिए। यही था आज का वीडियो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपका जो पोर्ट्रेट है वो पोर्ट्रेट ड्रॉ करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर डीएम कर सकते हो, मेरे सोशल मीडिया लिंक सारे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में दूसरे किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।